हाँ, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ना ठोड़ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ना ठोड़ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। डियर व्यूअर्स, टुडे माय कंटेंट्स अबाउट समीर्स, अनजान समीर्स, इंडियन ग्रेट्स पोएट्स, इज 19 डिफरेंट सॉन्ग्स गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग टू इन्फॉर्मेशन दैट इंडियन सॉन्ग्स जस्ट लाइक टू समीर समीर, देयर इज डिफरेंट सॉन्ग्स रिटन टू इंडियन जस्ट लाइक टू कुमार सानू सॉन्ग्स 19 जस्ट लाइक टू अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। डिफरेंट सॉन्ग जस्ट लाइक टू मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, तेरी चाहत में, तेरी चाहत में। डिफरेंट सॉन्ग्स विच रिटन टू शमीर्स गिव टू इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक टू जाने जिगर जाने मन तुझको है मेरी कसम, तो जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम, मर जाऊंगा मैं सनम। These returns to great singers, writers to give to he. This was the son of Samir Anjan's Anjan ke ye bete the, aur unhone bahut se geet sangeet likhe aur kavita likhi aur hum aap uske bare mein jankari di. Dekhi Samir was born 24 February 1958 ko ye paida hue aur unhone bahut hum tum से मुहब्बत करके, हम तुमसे मुहब्बत करते हैं, तुम हमसे मुहब्बत करते हैं। उनके जो वालिद थे वो लाला जी पांडे वाला, उनकी अनजान्स वास आल्सो पोएट्स फादर्स। उनकी जो है 2000 में इसकी पहली वीडियो मैं यूट्यूब पे देख चुका हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और अंत तक देखें, और यहाँ पे हम आपको जानकारी और इसने कई फिल्में गोविंदा की जितनी कितनी फिल्में जस्ट लाइक टू स्वर्ग स्वर्ग फिल्म आप देखें, देर इज़ अ वेरी जिसमें राजेश खन्ना और गोविंदा ने बनाई है। कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें, पूछो न साथियां जुदाई की बातें। ये गीत उन्होंने लिखा और बहुत से गीत हैं जिसने याद रहे कि ये बनारस में पैदा हुई और बनारस में इन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा उस वक्त, क्योंकि तेल के चराग थे, मोमबत्ती नहीं थी, लाटेन पे गुजारा समीर वाज। बहुत गुरबत की ज़िंदगी और दिलचस्पी उन्हें पढ़ाई से नहीं थी, क्योंकि वाले एजुकेशन चाहते थे और उन्होंने फिर इधर बचपन में उसको जो है पतंगबाजी से, खेलों से, और उसके अलावा भैंस भी चराते थे, भैंसों के साथ इसका बहुत, और उसके अलावा जो है फिर कहीं एजुकेशन से नहीं रहे, लेकिन फिर कहीं कविता उन्होंने लिखी और वालिद के साथ भी उन्होंने कहने पर जो है उनकी रेडियो में काम हुआ। बनारस में 5 साल पढ़ा और फिर बनारस में कई कॉलेजों में उन्होंने पढ़ा, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। तुम सचनक घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी, थी तुम इतना प्यार करते,
साठ की दहाई में उनकी कहीं उन्होंने कविता लिखी और उनके वालिद ने, लेकिन उन्होंने अपना शौक़ कविता में और अपना अपने देश के लिए तीन और लिखा, और उन्होंने कहीं फिर उनकी बायोग्राफी ये है कि उन्होंने कई गीत जो उन्होंने एजुकेशन को जारी रखा, लेकिन एम कॉम तक समीर्स ने एजुकेशन की और यहाँ पे उन्होंने बनारस में मुशायरों में काम किया, फिर उसके अलावा फिल्मों में, क्योंकि लोग स्टेज पे जो है अनजान के नाम से उसको बहुत ज़्यादा जानते थे, और फिल्मों में जो है सारे हीरो पे उन्होंने गीत लिखे, और 1980 से 1990 तक उन्होंने बहुत लिखा और उन्होंने कई कविता लिखी, और नज़र बनारस में उनके दोस्तों के साथ रहे और उन्होंने कई और कविता लिखी, और उसके अलावा आज के नाम उन्होंने एक अखबार न्यूज़ पेपर्स जिसमें उन्होंने कविता लिखी, और उन्होंने कई तकरीबन 500 उदाहरत लिखे, और उसके अलावा जो 1980 में उनका में कई फिल्मों में उन्होंने जो है उनका नाम रोशन हुआ, और जिसमें लव 86 में उनकी एक फिल्म से जिसमें गोविंदे के लिए उन्होंने काम किया, और जो गाना है एक जो बहुत मशहूर हुआ बम्बई में, क्योंकि वो चले गए और बम्बई में साथ साथ कविता लिखने के बाद बम्बई में उस वक्त क्योंकि मुंबई में वो मशहूर है तो बम्बई के लिए वो गीत रखा जो गोविंदे की एक फिल्म है, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई बम 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 बम्बई, देख के बम्बई के नज़ारा दिल की धड़कन जम गई, बम 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 बम्बई बम 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 बम्बई। दिस उसके अलावा समीर वाज अ ग्रेट पोएट्स एंड उसके अलावा उन्होंने 58 साल की उम्र में नहीं उन्होंने कई गीत लिखे जिसमें उनके कई कारण हैं उनके शब्दों में यहाँ पे हमारे पास, उसके अलावा उदित नारायण पे, कुमार सानू पे, और उसके अलावा रेडियो में उनके गीत की पहचान हुई 1983 में उनकी बेखबर फिल्म में उनके गीत रहे, लेकिन उनके जो जो कविता है बहुत मशहूर रही, कुछ कहना है 1980 में, और फिर जो है आशिकी फिल्म में जो मशहूर हुई, ही वॉज फेमस आशिकी फिल्म जो मैं आपको गीत शुरू में सुना चुका हूँ जिसमें कुमार सानू के गिल हैं, और उसके अलावा दिल फिल्म में मुझ नींद न आए मुझ चैन न आए कोई जाए दर ढूंढ के लाए न जाने कहाँ दिल खो गया, आशिकी फिल्म नजर के सामने जिगर के पार, डिफरेंट सॉन्ग्स, तू मेरी जिंदगी है, डिफरेंट सॉन्ग जस्ट लाइक टू दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे अब तेरे बिन जी लेंगे हम, हमने घर छोड़ा है नस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे। मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स जो मुझे बहुत गीत उसको बहुत पाता था, वो गीत आपको उसकी नज़र में हम सुनाते हैं जिसमें बहुत ख़ास गीत है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। गीत संगीत दो चाहने वाले आप कविता लिखें और गीत संगीत लिखें और गाएं तो बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके इंडियन की ओल्ड गीत में, लेकिन हम जाते हैं जानकारी के लिए, हम जाते हैं जाने जिगर जाने मन तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। दी सॉन्ग्स इज रिटन समीर आशिकी फिल्म, लेकिन उनका कारण वो जो मजरूह के साथ और साहिर उस वक्त और अंदर बख्शी की उनकी जो कलम को उनको चमकाया, समीर ने चमकाया, और उनकी गीत से गीत में वो कहीं सफलता रहे, और उनकी गीत में जो जिसमें नदीम शर्मा के साथ उन्होंने काम किया इश्क आशिकी में, और उसके अलावा मेरा वादा तेरा वादा, राजा बाबू फिल्म, मोहब्बतें और देवदास, कई
थी उनके लिए गीत और जब याद तुम्हारी याद सताए कब नींद उड़ाए कब, ये गोविंदा की फिल्म का गीत है, ये इनको लिखा है आशिकी फिल्म्स में जो उनका अब जो उनमें सूरत पाई, नजर के सामने जिगर के पार समीर और भी कई गीत है, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, प्यार करने वालों को जलाएंगे प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। दी सॉन्ग्स रिटन लेकिन तकरीबन उन्होंने 6800 फिल्मों में काम किया और 30 साल की उम्र में उन्होंने गीत संगीत दिए और 800 फिल्मों में उनका काम किया और 6000 के करीब उनके गीत संगीत रहे और उसके अलावा जो उनकी 86 में जो है कई में जो है अपनी खुल गई मोहब्बत अपनी खुल गई गीत पे वो बहुत मशहूर हुए और उसके अलावा नज़र के सामने जो हमने आपको गीत से गीत सुनाए तो उसने कई काम किए जिसमें तुझे इतना प्यार करे तुझे कितना प्यार करे, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए कोई जायदार ढूंढ के लाए। देखिए समीर ने कई फिल्मों के गीत रहे सुपरहिट रहे और कई उनमें उसके अलावा जो उनकी आज के अखबार में और उसके अलावा कई उनकी कविता हैं जो उन्होंने लिखी हैं और उसके गीत से गीत और आज तक वो माहिर नायक रहे स्टेज परफॉर्मेंस में क्योंकि वो उसको अनजान के नाम से जाना जाता है पिता बेटा और उनकी कारण जो उनके गीत से गीत उन वो ऐसे गीत से गीत 19 के रोमांटिकल सॉन्ग्स दिए गए जिसमें कुदरत नरेंद्र कुमार सानू अलका याग्निक्स ने गाए, ये उनकी कविता है और हम आपको छोटा सा उसका गीत सुनाते हैं। लेकिन वो 24 फरवरी 1958 को पैदा हुए और 1983 को उनकी रेडियो में गीत संगीत में कुछ कहना है मैं उनकी बहुत पहचान हुई और आशिकी में 90 में उनके गीत संगीत जो आपको सुनाए हैं वो रहे। लेकिन मजरूह साहिर अनवर बख्शी के हाँ उन्होंने भी अपना कलम चलाया और कई फिल्में परदेस राजा बाबू देवदास कई फिल्मों में उन्होंने गीत दी हैं जिसमें रोमेंस की हैं लेकिन उनके गीत संगीत के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपको जो है गीत संगीत सुनाता है जिसमें एक गीत है मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए कोई जायदार ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया न जाने कहाँ दिल खो गया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। उनके अलावा कल की आवाज़ में सभी की जो फिल्म से अरे क्यों लड़कियाँ अरे क्यों लड़कियाँ शादीशुदाओं पे उम्र हो 25 की 16 बताती है, उम्र हो 25 की 16 बताती है। दिस इज कुमार सानू एंड आशा भोसले सॉन्ग्स कल की आवाज़ मेरी और जो वीडियो है यूट्यूब पे उस पर आप देख सकते हैं, दिस इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन यू कैन सी डेंट्स दिस ऑल रोमांटिकल सॉन्ग्स। समीर इज अ ग्रेट जॉन्स इज अ ग्रेट रोमांटिकल हिंदी गीत संगीत के लिए वो सफलता है, वो हिंदी गीत संगीत को बहुत जिसमें हम आपको उदित नारायण की कुमार सानू की और मुख्तलिफ गीत अभी रह भी गए हैं लेकिन आज के इस कार्यक्रम में उसके ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर्स इज डिफरेंट सॉन्ग्स एंड प्रैक्टिकल्स हाउ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है जानकारी होती है जो हकीकत की होती है, हम और चैनलों पर आपको झूठ मूठ मोबाइल और ये वो आपको नजर आता है लेकिन मेरे चैनल पर आपको सच्चाई होगी, जो हमारे पास रिसर्च होगी वो आपके सामने होगा और आप अपने सामने जो है उस पर कमेंट्स दें। एंड दिस गिविंग टू इन्फॉर्मेशन इंडियन स्क्रेट्स गीत संगीत एंड शार्ट टर्म्स एंड गिविंग टू ऑल्स एंड प्रैक्टिकल्स, जो हमने गीत संगीत सुना हमने वीडियो देखा इंडिया का तो हम आपको ये उसकी पोइट के मतलब उसी हिंदी गीत संगीत के मतलब आपको जानकारी देता है। आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और ज़रूर कमेंट्स दें जिसमें ये गीत समीर के एंड देयर डिफरेंट पोइट्स डिफरेंट नरेशन डिफरेंट लैंग्वेज giving to different informations just like to geet sangeet just like to romantical voices different songs just like to main duniya bhula dunga
तेरी चाहत में। दिस इज रिटन समीर। तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। अपना ख्याल रखें। और दिस गिविंग टू इन्फॉर्मेशन समीर्स एंड लाइक सब्सक्राइब्स एंड गिविंग टू इंडियन गीत्स एंड गीत्स एंड दिस वी प्रैक्टिस ऑन सॉन्ग्स एंड विच सॉन्ग डू यू लाइक्स विच सपोर्ट डू यू लाइक्स गिव टू कमेंट्स। थैंक फॉर वॉचिंग्स।